नमस्कार विद्यार्थियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर पी एस सी नवीन सैनी में स्वागत है विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे जिले और ज़िलों में आज ये अपना अंतिम वीडियो है। इसी के साथ ज़िले हैं वो हो जाएगी कंप्लीट तो चलिए शुरू करते हैं जिलों को ठीक है तो जिले में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये कोलायत झील और कोलायत झील कहाँ पर है और इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत डाटा देखेंगे कोलायत और सिलीसेड को साथ में पढ़ लेते हैं एक सिलीसेड और है तो दोनों देख लेते हैं तो देखिए एक सेकेंड इसको नॉर्मल होने देना ताकि इसका पिक्सल एकदम क्या हो जाए क्लियर हो जाए जस्ट ये हो गया देखिए कोलायत झील है वो आपकी कहां पर है कोलय झील बीकानेर में है और ये कपिल मुनि की तपोभूमि है कपिल मुनि कौन थे कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेणता थे कौन थे सांख्य दर्शन के प्रणता सांख्य दर्शन के प्रणता तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के क्या थे प्रणेता थे ठीक है और कपिल मुनि की तपोभूमि है कोलायित झील कोलायित झील में चारण लोग है वो स्नान नहीं करते क्यों नहीं करते चारण लोग हैं वो कर्णी माता को क्या मानते हैं ऐसे उनकी कुल देवी है माँ है उनकी माँ बराबर मानते हैं मतलब लोक देवी वगैरह है कर्णी माता आपने सुना ही होगा तो ये चारणों की कुल देवी है चारण लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं उनकी आराध्य देवी है तो उनके क्या एक गोदलेवा पुत्र था बताते हैं कि उसकी कोलाई झील में डूब कर क्या हो गई थी मृत्यु हो गई थी शांत हो गए थे वो तो उसके बाद से सारण लोग इसमें स्नान नहीं करते हैं ठीक है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ कोलाई झील में क्या बढ़ता है मेला बढ़ता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर में मेला बढ़ता है ये चीज ध्यान रखना और इतना ही है कोलायत झील के बारे में एक है आपकी सिलिसेड झील सिलिसेड जो झील है वो आपकी है अलवर में कहाँ पर है अलवर में है और विनय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था और जो सरिस का अभ्यारण है अलवर में वो भी इसी झील के पास में यहीं पर है और विनय सिंह ने यहाँ पर क्या किया था अपनी रानी के लिए एक साई महल बनाया था लॉज बनाया था और शिकार के लिए वगैरह भी व्यवस्था की थी और वो आज जो वो लॉज वो महल थे वो आज होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित हैं लेक पैलेस होटल के रूप में आपको आज के दिन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये था सिलीसेड झील और एक आपकी कोलायथ झील तो इन दोनों का अब अपन देखेंगे पिक्चर इनका फोटो देखेंगे कि ये दिखने में दिखती कैसी है ठीक है तो चलिए अपन देखते हैं एक सेकेंड रुकना इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ मिनिमाइज करता हूँ मिनिमाइज का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा अच्छा एक सेकेंड रुकना रुको 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 रुक। एक सेकेंड मूव का ऑप्शन कहाँ आ रहा है ये रहा चलिए यहाँ से अपन इसको कर लेते हैं मिनिमाइज नहीं।, नहीं चलो छोड़ छोड़ छोड़ो होम में तो कहाँ दिखाई दे रहा है इधर से चलिए यह हो गया साइड में अब देखिए अपन इसमें देख लेते हैं एकदम मैं दिखाई दे रहा हूँ ठीक है अब देखिए यहाँ से अपन देखते हैं कोलाइत झील को कोलाइत झील कैसी है क्या है क्या नहीं है तो कोलाइत झील कोलाइत सारी झीलें देखेंगे अपन कोलाइत झील देखिए कोलाइ झील है वो कैसी है इसकी इमेज बताता हूँ सबसे पहले ये है कोलाइ झील देखो कोलाई झील है कोलाई झील घूमने की जानकारी यहाँ पर ये रहा ये कोलाइत झील है यहाँ पर देखो कार्तिक पूर्णिमा को जो स्नान वगैरह करते हैं स्नान के लिए जो घाट बने हुए हैं स्नान के लिए वो देखिए ये कोलाई झील है आपको दिखाई दे रही होगी और देखते हैं कोलाई झील में और क्या क्या है कैसे कैसे और पिक्चर दिखाते हैं आपको कोलाई झील का ये देखो कितनी औसम है ये है कोलाइत झील कपिल मुनि का भी फोटो दिखाऊं क्या आपको कपिल मुनि किसी के देखने में मन में ना रह जाए कोई बोले कि सर हमको दिखाए नहीं हम तो कपिल मुनि को भी देखना चाहते थे तो देखिए हाँ ये कोलहित झील का है ओके एक सेकेंड रुकिए अब देखो अब अपन और दिखाते हैं आपको कपिल मुनि कपिल मुनि का भी फोटो दिखा दूं पहले कभी आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो कपिल मुनि तो ऐसे थे कपिल मुनि कपिल मुनि का तो इंस्टाग्राम आईडी भी आ गया तो देखो कपिल मुनि कैसे आते हैं कपिल मुनि और कपिल मुनि देखो <laughs> कपिल मुनि कोलाइट झील लिखना पड़ेगा कपिल मुनि इतने हैंडसम आ गए एकदम वैसे हैंडसम लोग ही थे वो तो कपिल मुनि कोलायत अब देखिए ये कोलायत इनका खुद का फोटो नहीं दिया हुआ है कपिल मुनि मंदिर के दर्शन ये रहे कपिल मुनि ये हैं भाई कपिल मुनि अब देखो हैंडसम है तो कपिल मुनि है तो ठीक है जींस वगैरह नहीं पहन रखी वरना एकदम टिपट दिखाई देते हैं तो कपिल का है ठीक है अब देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं अब ये कोलाइट देख ली अब अपन देखते हैं अपने एक सिलिसेट झील पीछे रहेगी ना तो सिलिसेट झील के बारे में भी अपन देखते हैं सिली झील सिली सेड लेक पैलेस ओके सिली लेक अलवर ये अलवर वाली झील है ठीक है ना तो देखो सिलीसेट झील अलवर वाली है ये भी बहुत ही शानदार है देखना अभी देखो ये क्या झील है यार लाड लो वाकई में दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका देखोगे तो यह देखो इतनी शानदार झील है सिली सेठ राजा वगैरह लोग जीवन का बहुत आनंद लेते थे लाड लोग क्या बताएं आपको औसम जिंदगी जीते थे देखो अलवर की सिली सेठ झील ऐसी दिखाई देती है एकदम मस्त अब यहाँ पर क्या है उन्होंने विनय सिंह थे उन्होंने अपनी रानी के लिए क्या बनाया साई महल बनाया लोज बनाया जो आज होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है तो होटल लेक पैलेस भी दिखा देते हैं आपको कि कैसे है लेक पैलेस लेक पैलेस अलवर ठीक है ना लेक पैलेस अलवर तो इसमें इमेज देखो इसकी ये देखो ये होटल लेक पैलेस है लेक पैलेस ये वाली है ना जैसे ये लेक पैलेस है ये लेक पैलेस होटल है और देखिए इसका अंदर से तो बुक होटल लेक पैलेस ये देखो ये दिया है ना बुक जस्ट डाइल वाले पे ये होटल लेक पैलेस का एक दृश्य तो ऐसी होटल थी शानदार दिखाई दे रही ना टिप टॉप चलिए अब अपन चलते हैं अपनी दुनिया में वापस ठीक है ना जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे लोड करनी पड़ेगी फाइल दो मिनट लोड होती है तब तक अपन देख लेते हैं एक सेकेंड उतना ठीक है अपन ने यहाँ तक पढ़ा था सिली झील तक अब अपन पढ़ेंगे फाई सागर झील फाई सागर झील और उदय सागर झील दोनों झीलों को देखते हैं ठीक है ना फाई सागर झील है और ये जो फेमस फेमस झीलें हैं वो दिखा देंगे सारी दिखाएंगे तो आप बोर हो जाओगे देखते देखते है ना वैसे आप सभी लोग देख सकते हो तो देखिए फोय सागर झील है वो अंग्रेज़ इंजीनियर फॉय था उसने अकाल राहत परियोजना के तहत बनाया मतलब अकाल में लोगों को रोज़गार देने के लिए फाई सागर झील अजमेर में अंग्रेज इंजीनियर था फोय उसने अकाल राहत परियोजना के तहत मतलब अकाल पड़ा था लोगों को रोजगार देने के लिए उसने ये झील बनाई थी और बांडी नदी के पानी को रोककर और भाई सागर झील का निर्माण किया और इसका अतिरिक्त पानी कौन सी झील में जाना जाता है आना सागर में आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया अर्णोराज पृथ्वीराज चौहान के क्या थे दादाजी थे अगला है उदय सागर झील उदय सागर में नाम से स्पष्ट है उदय सागर उदयपुर में है ठीक है उदय सागर झील कहाँ उदयपुर में स्थित है और इसके निर्माता कौन थे महाराणा उदय सिंह इसके निर्माता थे निर्माण काल पंद्रह सौ गुणसाठस्वी इस में इसको बनाया गया था पंद्रह से थोड़ा आगे दो चार साल काम चला था ध्यान रखना ठीक है अब देखिए उदय सागर झील है क्या उदय सागर झील में आके नदी तो गिरती है आपके आयड़ नदी कौन सी नदी आकर गिरती है आयड़ नदी गिरती है और आगे से जब ये नदी वापस निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी ये चीज ध्यान रखना ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगला है पुष्कर झील पुष्कर झील आप सभी लोगों की देखी हुई है वैसे बहुत ही शानदार है पुष्कर झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है एक कार्तिक पूर्णिमा का मेला अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कहां पर लगता है कोलायत तो झील में लगता है कहां लगता है कोलाय झील में लगता है और यहां पर पुष्कर झील यह भी आपको बताया यहां पर, पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है आपके पुष्कर में और अरावली की पहाड़ियों के जस्ट पास में आपका पुष्कर है अजमेर से यह बारह तेरह किलोमीटर दूर रहता है घाटी के इधर पुष्कर है और उधर क्या है अजमेर है एग्जाम देने जाते हो आप सभी लोगों को पता ही है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पुष्कर झील पुष्कर झील आपके अजमेर कार्तिक मास पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है विशाल मेला लगता है ठीक है और ये राज्य की सबसे प्रदूषित झील है राज्य की सबसे प्रदूषित झील है एक सेकेंड रुकना इसका पिक्सल क्लियर नहीं हुआ ओके राज्य की क्या है सबसे प्रदूषित झील है और राज्य की सबसे बड़ी धार्मिक और प्राकृतिक झील भी है और कनाडा के सहयोग से इसमें सफाई कार्य चलाया गया था किसके सहयोग से कनाडा के सहयोग से यह बात भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक क्रेटर झील ज्वालामुखी झील पांच का तीर्थ तीर्थराज और तीर्थों का तीर्थ भी इसे कहा जाता है तो ये बातें हैं इसके बारे में ओके आगे बढ़ते हैं इसका पिक्सल क्लियर नहीं हुआ किसी वजह से किसी कारणवश फरना क्लियर हो जाता है थोड़ी देर में ही देखो कोई कोई रीजन हो जाता है तो कई बार नहीं होता है ओके देखो वैसे आपने पढ़ तो लिया है मेन मेन डाटा यही है ठीक है आगे चलते हैं अगला है आपके सामने नक्की झील नक्की झील और फतेह सागर दो है आपके दोनों इकाएं उदयपुर में है नक्की झील के बारे में क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बता दूं नक्की झील है वो माउंट आबू सिरोई में स्थित है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये ये डाटा इसके बारे में इंपोर्टेंट है देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर इसका क्या किया था निर्माण किया था ये रघुनाथ मंदिर के पास में ही रघुनाथ जी का मंदिर है उसके पास में ये झील स्थित है यहाँ पर टोड रोक और नन रोक जो वो चट्टान है वो यहीं पर आपके देखने को मिलती है ठीक है तो ये नक्की झील नक्की झील है माउंट आबू सिरो में राजस्थान की सबसे ऊंची झील है देवताओं के नाखूनों द्वारा इसको खोदा गया था और रघुनाथ जी के मंदिर के पास में ही ये क्या है नक्की झील स्थित है माउंट आबू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसको लेते हैं थोड़ा सा ऊपर अब ये है फतेह सागर झील फतेह सागर झील भी कहां स्थित है फतेह सागर जो झील है वो भी आपकी उदयपुर में स्थित है इसका प्रारंभिक निर्माण तो जय सिंह ने करवाया था लेकिन बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह जी ने और फतेह सिंह जी ने इसको अपना नाम दे दिया ठीक है और इसकी जो नींव है वो रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इस फतेह सागर झील की नींव रखी थी और यहाँ पर जो बांध बना हुआ उसे कन्नौट बांध भी कहते हैं फतेह सागर झील पर ही बना हुआ है फतेह सागर बांध भी कहा जाता है यहाँ पर पास में एक उद्यान बना हुआ है एक शोर वेदशाला भी है टेलीस्कोप भी लगाया हुआ है यहाँ पर ठीक है ना और वो किसके सहयोग से लगाया गया है बेल्जियम के सहयोग से लगाया गया है किसके सहयोग से बेल्जियम के सहयोग से तो ये बात इसके बारे में हो गई नेक्स्ट अब ये देखो ये मैंने यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट डाटा डाला है देखिए इसके बारे में सीधा सीधा पढ़ना ही है कोई खास मतलब इतना नहीं है कि आप उसको देखो गौर करो इतना बड़ा कुछ डाटा है नहीं देखो कायलाना झील है वो जोधपुर में स्थित है तालाब शाही झील है वो धौलपुर में बाल समंद झील है वो जोधपुर में चश्माए नूर है वो अजमेर में पन्नालाल शाह तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में गेब सागर झील डूंगरपुर में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी कई एग्जामों में पूछी जा रही है गेब सागर झील डूंगरपुर नौलखा झील है वो बूंदी में है गढ़शीसर है वो कहाँ है जैसलमेर ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा गढ़सीसर आपके कहाँ पर है नौलखा झील बूंदी में और गढ़शी सर आपका कहाँ है जैसलमेर में और गढ़शीसर झील जैसलमेर में और तलवाड़ा झील है वो हनुमानगढ़ में तलवाड़ा हनुमानगढ़ तलवाड़ा कहाँ पर है तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में अब देखो कुछ और डाटा भी है कि राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलिसेठ झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलिसेठ झील को और देखो और इसके बारे में इंपॉर्टेंट डाटा यह है कि जो फतेह सागर झील थी जिसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था और पुनर्निर्माण किसने करवाया था फतेह सिंह जी ने करवाया था तो जो फतेह सागर झील है उसको देवाली तालाब भी कहते हैं फतेह सागर झील को क्या कहा जाता है देवाली तालाब भी कहा जाता है काणता बांध है वो आपका जयपुर में है जबकि बंद बारेठा बांध कहां पर है बंद बारेठा भरतपुर में पांचना बांध है जो कि मिट्टी का बना हुआ है ये करोली में इसमें भद्रावती आचार वो आपके मैसावटर वगैरह ये ऐसी जो नदियां आकर उसमें गिरती है ठीक है ना और मोती झील बांध है ये आपका भरतपुर में है और यहाँ पर नील हरित सेवाल से नाइट्रोजन खाद की क्या की जाती है प्राप्ति की जाती है ये डाटा इसके बारे में महत्वपूर्ण था और लास्ट काला काला डेरा झील कालाडेरा झील है वो पुष्कर में है इंग्लैंड की महारानी क्वीन मेरी उन्नीस में पुष्कर आई थी और इसने यहां पर जनाना घाट का निर्माण करवाया था क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण करवाया गांधी जी की अस्थियां हैं वो पुष्कर में प्रवाहित की गई थी गांधी जी की अस्थियां वैसे भारत में कई जगह पर प्रवाहित की गई थी और पुष्कर में बावन घाट बने हुए जो कि अर्धचंद्राकार ठीक है ना तो ये थोड़े से डाटा इम्पोर्टेंट थे वो भी मैंने इसमें सम्मिलित किए और इसी के साथ जो अपना झीलों वाला टॉपिक था झीलों का टॉपिक ठीक है ना तो झीलें हो गई ये इसी के साथ कंप्लीट ठीक है ना तो आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो आप बाकी के सारे वीडियो भी देखिए और बढ़िया तरीके से उनको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में ठीक है तो मेरी तरफ से जिले कंप्लीट है आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा ठीक है विद्यार्थियों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत